नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सब का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत पर बिल गेट्स ने दी पीएम मोदी को बधाई। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। गेट्स ने साथ ही कहा कि इस मिशन के जरिए भारत को उसके लोगों के स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने भी बिल गेट्स का धन्यवाद अदा किया। पीएम मोदी ने गेट्स से कहा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर आपका बधाई संदेश पाकर बेहद अच्छा लगा है। मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, दुमका मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर हो रहा है नामांकन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दुमका मेडिकल कॉलेज यानी फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष नामांकन की अनुमति दे दी है। वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए यहां कुल 100 सीटों पर नामांकन हो सकेगा। आयोग ने विभिन्न कमियां गिनाते हुए पिछले वर्ष इस कॉलेज में नामांकन पर रोक लगा दी थी। नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत कार्यरत मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने कॉलेज के निरीक्षण तथा सामने आई कमियां शीघ्र दूर करने को लेकर कॉलेज प्रबंधन द्वारा अंडरटेकिंग दिए जाने के बाद नामांकन की अनुमति की अनुशंसा की है। नामांकन की यह मान्यता सिर्फ एक वर्ष के लिए दी गई है। अगले बैच में नामांकन नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा अनुमति मिलने के बाद दिया जाएगा। बता दें कि वर्ष 2019 में इस मेडिकल कॉलेज के अलावा पलामू और हजारीबाग स्थित मेडिकल कॉलेज को नामांकन की अनुमति मिली थी, लेकिन वर्ष 2020 में इन तीनों कॉलेजों में नामांकन की अनुमति नहीं मिल पाई थी। झारखंड के माध्यमिक शिक्षकों को शीघ्र मिले वेतन वृद्धि का लाभ। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से मिलकर माध्यमिक शिक्षकों के प्रवर्तन वेतनमान शीघ्र देने की मांग की। साथ ही प्रधानाध्यापकों के वेतन नहीं काटने तथा इस साल 25 जुलाई को जारी उस आदेश को निरस्त करने की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के सेवा संपुष्टि शीघ्र करने, उन्हें अंशदायी पेंशन आदि देने की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल संघ के संयुक्त सचिव यशवंत विजय ने कहा कि सचिव ने मांगों पर सकारात्मक विचार करने आश्वासन दिया है। इससे पहले संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक रांची में हुई थी, जिसमें इन सभी मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। इस बैठक में अध्यक्ष दिवाकर महतो, विनय भगत, बलराम सिंह आदि शामिल हुए। राज्यपाल रमेश बैस से कुणाल सांडगी ने की भेंट, जेएसएससी नियमावली में संशोधन समेत अन्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक सह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर कहा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की दोषपूर्ण नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका आदि को चयनित क्षेत्र जनजाति भाषा श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में श्री सांडगी ने राज्यपाल श्री बैस को ज्ञापन भी सौंपा। नई नियमावली के अनुसार यहाँ के स्थानीय अभ्यर्थी अगर झारखंड के बाहर से मैट्रिक या इंटरमीडिएट करते हैं तो परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती। इसी तरह अगर कोई झारखंड के बाहर का व्यक्ति झारखंड में मैट्रिक या इंटरमीडिएट कर लेता है तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में बैठने की पूरी तरह पात्रता रखता है, यानी बैठ सकता है। इसलिए इसमें परिवर्तन करते हुए यहाँ के युवाओं को समानता का अवसर प्रदान किया जाए। साथ ही झारखंड सरकार को निर्देश दिया जाए कि झारखंड के मूलवासियों के समुचित विकास की भावना के साथ स्थानीय नीति को लागू किया जा सके। पूर्व विधायक कुणाल के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में शामिल जिला परिषद सदस्य सुदीप्तो डेराना, विमला बैठा, सन्नी शुक्ला, देवानंद झा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ओडिशा ने झारखंड से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से उड़िया भाषा नहीं हटाने का किया आग्रह। ओडिशा सरकार के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री एस आर दास ने झारखंड सरकार के अपने समकक्ष जगन्नाथ महतो से पड़ोसी प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से उड़िया भाषा को नहीं हटाने का आग्रह किया। महतो को लिखे पत्र में दास ने कहा कि सरकार के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से उड़िया भाषा को हटाने से झारखंड और सीमावर्ती जिलों में उड़िया भाषी लोगों के बीच असहमति, अविश्वास और बेचैनी का माहौल पैदा हो गया है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि ओडिशा के मंत्री ने कहा है कि झारखंड शैक्षणिक परिषद द्वारा 20 सितंबर को प्रकाशित एक विज्ञापन ने राज्य के उड़िया भाषी लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया है। दास ने कहा है, प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रकाशित इस विज्ञापन के अनुसार 7वें पेपर से उड़िया भाषा को निकाल दिया गया है और संस्कृत, बंगला, उर्दू, हो, मुंडारी, संथाली एवं कुड़वाली को शामिल कर लिया गया है। झारखंड के चतरा को बिजली की सौगात, सीएम हेमंत सोरेन बोले, सोलर प्लांट लगाने पर मिलेगी सब्सिडी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को चतरा के इटखोरी में नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन एवं चतरा लातेहार ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ कर चतरा जिले को बड़ी सौगात दी। अब इस जिले के बड़े हिस्से को निर्बाध और गुणवत्ता युक्त बिजली मिलेगी।
लो वोल्टेज की समस्या नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने से यहां के लोगों की वर्षों की मांग पूरी हो गई है। अब यहां का हर घर ना सिर्फ रोशन होगा बल्कि नई ऊर्जा के साथ विकास के रास्ते पर चतरा जिला तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खेती की तरह सोलर प्लांट को भी घरों में लगाएं, सरकार सब्सिडी देगी। झारखंड में चक्रवाती तूफान गुलाब ने मचाई तबाही, लगातार बारिश से मकान धंसने से दंपति की मौत। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण लगातार हो रही बारिश ने गिरिडीह जिले में जमकर तबाही मचाई है। पिरटार थाना क्षेत्र पंचायत अंतर्गत केंदवाडीह गांव में बीती रात करीब 12 बजे मकान धंसने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात को रूपलाल मांझी एवं सनीमुनि देवी अपने मकान में सो रहे थे। रात करीब 12 बजे जब तेज बारिश हो रही थी, इस दौरान मकान धस गया। आनंद में बगल के घर में सो रहे मृतक रूपलाल मांझी के पुत्र विश्व सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्य ने माता पिता को निकाला। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना सीओ, थाना प्रभारी, स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान को दी गई है। झारखंड में टला बड़ा हादसा, पेट्रोल पंप पर वाहन में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। झारखंड के जमतारा जिले के नारायणपुर में शुक्रवार को पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। पेट्रोल पंप कर्मचारी एवं स्थानीय लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आप सबको बता दें कि एक वाहन पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए रुका था, इसी दौरान अचानक उसमें आग पकड़ ली और आग की लपटें काफ़ी तेज हो गई। आग का विकराल रूप लेते देख तुरंत लोगों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगते देख पेट्रोल पंप के कर्मी अग्निशमन टंकी के माध्यम से डंपर पर लगी आग बुझाने में लग गए। वहीं कुछ कर्मियों ने पेट्रोल पंप का सारा सिस्टम बंद कर दिया ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो जाए। कल इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई जाती या सूझबूझ का परिचय नहीं दिया जाता तो बड़ी घटना घट सकती थी। पेट्रोल पंप कर्मियों की तत्परता और स्थानीय लोगों के सहयोग के कारण बड़ा हादसा टल गया। झारखंड में नक्सलियों की टूट रही है कमर, 25 लाख का इनामी उग्रवादी ने छोड़ा संगठन का साथ, लेवी वसूली का था उस्ताद। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन से रीजनल कमांडर और 25 लाख का इनामी नक्सली विभीषण उर्फ मोचू उर्फ मेहनत उर्फ कुंबा ने नाता तोड़ लिया है। सूत्र बताते हैं कि संगठन छोड़ने के बाद मोचू पुलिस के संपर्क में है। चर्चा यह भी हो रही है कि मोचू ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें वर्ष 2018 में नक्सली मोचू पर राज्य सरकार ने 15 लाख का इनाम रखा था, लेकिन वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। हालांकि पुलिस मुख्यालय और चाईबासा पुलिस के अफसरों ने सिलेंडर की पुष्टि नहीं की। मोचू मूल रूप से धनबाद जिले के घोड़ा बांधा का निवासी है। पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न थानों में 40 से अधिक मामले दर्ज है। मोचू गोयलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत डेरवा गांव के आसपास के इलाकों में सक्रिय था। वह लेवी वसूलने का कार्य करता था। बिहार झारखंड के छात्रों के पास सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका, निकली बंपर वैकेंसी। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IBPS में बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो गया है। इसमें शामिल खाली पदों पर नौकरी पाने का अच्छा मौका है। ऐसे में उम्मीदवार 14 अक्टूबर या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा अक्टूबर या नवंबर 2021 में आयोजित की जा सकती है। 30 महीने के बाद आज से जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज निशाना साधेंगे। 40वीं सीनियर नेशनल अचारी चैंपियनशिप का उद्घाटन अर्जुन मुंडा करेंगे। जमशेदपुर में 2 अक्टूबर से यानी आज से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तीरंदाजों का जमावड़ा लगेगा। 30 महीने के बाद 40वीं सीनियर इंडियन कंपाउंड और रिकवर में महिला पुरुष प्लेयर्स निशाना साधने उतरेंगे। 9 दिनों तक टाटा आचारी एकेडमी खिलाड़ियों से गुलजार रहेगा। शनिवार को 2 से 10 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सुबह 9:30 बजे करेंगे। मार्च 2019 में सीनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप कटक में खेला गया था। इसके बाद कोविड-19 को लेकर फिर प्रतियोगिता नहीं हुई थी। कांग्रेस का गांधी जयंती पर कई कार्यक्रम, तारिक अनवर होंगे शामिल। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर कमल बोस होंगे शामिल। प्रदेश कांग्रेस 2 अक्टूबर को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष भर आयोजित होने वाली कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कई विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया है।
2 अक्टूबर को सुबह यानी 10:30 बजे कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित रहेंगे। इसके बाद कांग्रेस भवन से पदयात्रा कार्यक्रम निकाला जाएगा, जो महात्मा गांधी मार्ग होते हुए काली मंदिर चौक पहुंचेगा, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे। इसका नेतृत्व भी राजेश ठाकुर करेंगे। कार्यक्रम में पार्टी के विभाग, प्रकोष्ठ, मोर्चा, संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे बापू वाटिका मोरहाबादी रांची में पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। 2 बजे पुराने विधानसभा सभागार ध्रुवा में संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तारिक अनवर उपस्थित रहेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर कमल बोस शामिल होंगे। यह जानकारी प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने दी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष आएंगे सिमडेगा। 11वीं हॉकी इंडियन राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में होंगे शामिल। 20 से 29 अक्टूबर तक सिमडेगा में आयोजित 11वीं हॉकी इंडियन राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मैच में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव पत्रा भी शामिल होंगे। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में डॉक्टर बत्रा को फाइनल में आने के लिए आमंत्रित किया है। बत्रा ने सिमडेगा आने के लिए अपनी सहमति भी दी है। प्रस्तावित बिजली हड़ताल, JBBNL प्रबंधन के साथ वार्ता 4 को। बिजली कर्मियों की मांगों को लेकर JBBNL प्रबंधन के साथ झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन की वार्ता 4 अक्टूबर को होगी। वार्ता के लिए निगम प्रबंधन में यूनियन को आमंत्रित किया है। इसको लेकर यूनियन की बैठक हुई, जिसमें महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रबंधन के प्रति मजदूरों में बहुत गुस्सा है, इसलिए मांग को समय रहते हुए प्रबंधन पूरा करे। मालूम हो कि अपनी मांगों को लेकर 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अगर मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो प्रस्तावित हड़ताल पूर्वतः जारी रहेगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।